नमस्कार, आपको बता दें कि इंडो नेपाली नाट्य निर्माण द कन्फेशन को हाउसफुल रिस्पांस मिला है। बिमल सुबेदी द्वारा निर्देशित थिएटर प्ले द कन्फेशन का प्रदर्शन जेनी सुनोवर द्वारा किया गया। नाटक का मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में किया गया। प्रसिद्ध नेपाली लेखक स्वर्गीय जगदीश घिमिरे के प्रसिद्ध उपन्यास सुबेदी से प्रेरणा लेकर इस नाटक को हाउसफुल रिस्पांस मिला, वो इसने नई जमीन तोड़ी है। मुख्य भूमिका अनुराधा मजूमदार ने निभाई थी। इस नाटक में पद्मश्री राम गोपाल बजाज, भारत में नेपाल के महामहिम राजदूत श्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा और पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जैसे कुछ विशिष्ट अतिथि थे। नाटक के अंत में तीनों गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और उन्होंने टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की और निश्चित रूप से नाटक के विषय की भी सराहना की, जिसने दर्शकों के मन में एक मजबूत संदेश छोड़ा। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, वेल एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेन्ड एक्टर्स। बहुत खुशी है, अनुराधा को जानती हूँ, जो फीमेल कैरेक्टर, शी इज अ ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम आर इंस्टीट्यूशन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू कैन सी हाउ वेल शी हैज परफॉर्म्ड एंड अचीव्ड अ ग्रेट हाइट। Keep it up, brilliant work. मेरा नाम राम गोपाल बजाज, वैसे आमतौर पर लोग मुझे बज्जू भाई भी कहते हैं और स्टूडेंट्स प्रोफेसर बजाज। कमाल किया है और जितनी तीव्रता से, जितनी संक्षिप्तता से और जितनी तीखेपन के साथ, पीड़ा के साथ अनुराधा मजुमदार ने परफॉर्म किया और यह प्रस्तुति हुई, बहुत विशिष्ट है। और जितना कुछ मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में लाइव एज वेल एज सिनेमा के माध्यम से देखा है, उसमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभूति मेरे लिए। उन्होंने डिस्टर्ब किया, फिर से अपने समाज को, अपने साहित्य को, अपने अभिव्यक्तियों को देखने की चुनौती दी, इससे बड़ा क्या। नमस्ते, हम सभी कन्फेशन की टीम है। ये जो टीम है ये नेपाल और इंडिया की यूथ ज्वाइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। हम सभी थिएटर के प्रेमी हैं। प्रेजेंटली आई एम हेडिंग डिपार्टमेंट पंडित लक्ष्मी चांद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। जेनी पेंटिंग डिपार्टमेंट की छात्रा है, वो फोर्थ ईयर में है, काठमांडू से है। साजन टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाते हैं और प्रज्वल अभी खुद भी स्टूडेंट है। तो ये एक नेपाल और इंडिया की कोलैबोरेशन में टीचर स्टूडेंट आर्ट आर्ट फैटर्निटी के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम अभी समाज में, पूरी दुनिया में जो चल रही है उसके साथ हमारी क्या संबंध है, हमारी स्थान क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की कोशिश किया है और कुछ जो संवाद है उस संवाद को हमने यहाँ पे रखा है प्ले के माध्यम से। ये सिर्फ लड़की की समस्या नहीं, ये आज की संदर्भ में पूरी विश्व का समस्या है और इस जगह पे आप किसी को भी रख सकते हैं। आपको इस एक्ट करने में कितना टाइम लगा, कितनी मुश्किल पैदा हुई? बहुत मुश्किल पैदा होता है क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एक जगह पे काम करने के मौका नहीं मिलता है, क्योंकि दो देश है और हम सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र में बिजी है। और इसमें जो सवाल भी किया गया है तो वो सवाल हमारे अकेले के सवाल नहीं है। जब हम इस सवाल को करते हैं तो हमारी तरह बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इस समय से हम इसी के अंदर से गुजर रहे हैं, तो इसलिए हम स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। जितना सारे सब्जेक्ट है उसको कुल मिला के हम सभी सब्जेक्ट को लेके आए हैं, तो कृपया इसे इसके अंदर भी भेदभाव ना करें। आपने अपने ऐप के माध्यम से राजनीति, बौद्धिक लोग, जो अच्छे लेवल पे भी लोग, आपने सबको पर घरे में खड़ा कर दिया, तो क्या लगता है कि ये सारे घरे करने लायक है जो आपने ये करके कहा कि हर तरीके से आप महिलाओं का अत्याचार, चाहे राजनीति हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, शिक्षा संस्थान हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, मतलब कई जगह से महिला सुरक्षित नहीं है, लग रहा है कि इसके ऊपर और ज्यादा काम होना चाहिए। सर, सिर्फ महिला नहीं, आप और हम भी सुरक्षित नहीं है, तो ये इस समय का एक स्लाइस ऑफ लाइफ ऑफ दिस टाइम, इट्स नॉट समथिंग समवन वेरी स्पेसिफिक, तो इसके तहत हम सब गुजर रहे हैं। मेरा नाम बिमल सुबेदी है, मैं एनएसटी से 2012 में पास आउट हूँ डिजाइन डायरेक्शन में। मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू में रहता हूँ और मैं थिएटर ही करता हूँ।
ज्यादातर डिजाइन डायरेक्शन ही करता हूँ, एक्टिंग उतना किया नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। एक इत्तेफाक है कि जैसे कि मेरा लास्ट प्रोडक्शन इसी में था, डिप्लोमा प्रोडक्शन था, वो बीआरएम में हुआ था और उसमें चार ऑडिटोरियम थे, इसमें से ये भी था, तो मेरा लास्ट प्रोडक्शन इसमें था और अभी फिर इसी में हुआ, तो ये मेरे लिए तो बहुत एक नॉस्टैल्जिया और थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स है। और इंडिया और नेपाल के कल्चरल रिलेशन के लिए मैं काफी तरफ से काम कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ से और हमारा बहुत सारे कनेक्शन है इंडिया और नेपाल में, एक मतलब लाइन कोइन करता हूँ हमेशा मिथोलॉजी टू कंटेम्पररी। इंडिया और नेपाल का रिलेशन मिथ से लेकर अभी तक है मिथोलॉजी टू कंटेम्पररी, जो कोई देश में नहीं। सो वी ऑलवेज शेयर दिस काइंड ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप एंड काइंड ऑफ एग्जांपल टू द वर्ल्ड। आपने जो ये मंच पे नाटक का जो अभिनय कराया, ये लिखने में आपको कितना समय लगा? ये एक्चुअली प्रोसेस के तरह इवॉल्व हुआ। एक्चुअली हमारे एक नोवेल था साबिती करते, जो करके जो हमारा एक सीनियर राइटर है जगदीश खिमेरे, उन्होंने लिखा था, तो उसमें बेस में होके हमने थोड़ा थोड़ा डिवाइस की तरह उसका कुछ कुछ लाइन लेके डेवलप किया, फिर बाद में तीन चार शो करने के बाद फिर उसको डेवलप करके फिर हमने एक इसका थोड़ा सा प्ले बनाया। आपको कैसे समझ में आया कि ये लोग परफेक्ट भागीदारी निभा पाएंगे? अनुराधा मजुमदार मतलब काफी सीनियर है, वो एनएससी से भी पास आउट है, एफटीआईआई से भी पास आउट है और दो जगह पढ़ा भी चुकी है, अभी बहुत एचओडी है ये हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी में, और वो नेपाल में काफी काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेपाल में, नेपाल और इंडिया के बारे में जो कनेक्टेड स्टोरी होता है वो ज्यादा मतलब समझेंगे, तो उस हिसाब से मैंने उनको कास्ट किया कि सी कैन अंडरस्टैंड द नेपाली कल्चर एंड दिस पॉलिटिक्स एंड द इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिक्स, सो इट इज इजी फॉर मी टू यू नो वर्क विद। बाकी तो हमारा थिएटर विलेज नेपाल करके ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा अपना ही टीम है। चीफ गेस्ट में अभी रामगोपाल बजाज सर थे, रीता कोठारी मैम थी, और हमारा नेपाल से एम्बेसडर आए थे, जो इंडिया के लिए जो नेपाल के एम्बेसडर है वो थे चीफ गेस्ट। क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ऐसा कुछ देना नहीं है, एक्चुअली मुझे जिस चीज से दिक्कत होता है मैं वही लिखा है, मुझे एक्चुअली मास्क वाली सोसाइटी है तो इस सोसाइटी के ऊपर मुझे कमेंट करना था, है ना, जेंडर के हिसाब से मैंने कमेंट किया, लेकिन हर कंज्यूमरिज्म को, एक कैपिटलिज्म को, एजुकेशनल कैपिटलिज्म को, पॉलिटिक्स को, है ना, ये सब चीज को कमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता था वो मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड का रिफ्लेक्शन है प्ले के थ्रू। इसका फॉर्म अलग है, ये इसका मीडियम अलग है, यू नो द स्टेज इज डिफरेंट, पेंटिंग इज डिफरेंट, पोएट्री इज डिफरेंट, है ना, अब बुक लिखेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से बोलेंगे वही चीज को, फिर फिल्म में आएगा तो अलग तरीके से आएगा, वही सीरीज में आएगा तो अलग तरीके से आएगा, तो ये स्टेज में है, अभी मुझे लगता है स्टेज में ही बोलना जरूरी है क्योंकि ये इंटीमेट परफॉर्मेंस है, है ना, तो इसके बाद जैसे कि डायलॉग हो सकता है, ऑडियंस से बातचीत हो सकता है, क्यों किया ऐसे, इसमें बातचीत हो सकता है, ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इंटरटेनमेंट वाला प्रोडक्शन नहीं है ये, थोड़ा सा मैं बोलता हूं रियलाइजेशन करवाने के लिए, हमारे क्वेश्चंस करने के लिए। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।